नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी की टीम धार्मिक अनुष्ठानों पर पहुंचता रहता है, धार्मिक स्थानों पर पहुंचता रहता है और धार्मिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहां भी आपको हम सीधा प्रसारण आपको दिखाते हैं। तो आज हम कुरुक्षेत्र के दुख भंजन महादेव मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पर दुख भंजन मंदिर में क्यों आए हैं, क्योंकि शिवरात्रि पर एक रंगारंग कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया। क्या क्या कार्यक्रम किया गया और किनके द्वारा किया गया, वही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका। मिश्रा जी, जय भोलेनाथ जी। जैसे आज शिवरात्रि है तो किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है? सावन मास, जो भगवान शंकर का सारा मास रहता है, श्रावण मास जी। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर तो सारे भोलेनाथ के भक्त हैं। हर आदमी भोलेनाथ जी को इतना चाहता है कि सभी की इष्ट यहाँ भोलेनाथ जी हैं। तो श्रावण मास के अंदर यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी के दुख भंजन महादेव मंदिर को बड़ा सजाया गया है। पूरे 30 के 30 दिन भगवान भोलेनाथ जी की शाम को और सुबह दो समय आरती होती है। शाम की बड़े भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन को भगवान भोलेनाथ जी को 56 भोग लगते हैं। हर जितने भी भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं वो सब अपने घर से कोई मीठे चावल बना के लाता है, खीर बना के लाता है, मालपूड़े बना के लाता है और भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण करता है। भगवान शंकर के लिए यहाँ सभी लोग बड़े उनको बहुत प्यार करते हैं और भगवान, आज त्रयोदशी का दिन है। त्रयोदशी के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी के लिए ये रात का जागरण रखा गया है कि भगवान भोलेनाथ जी के साथ हम लोग सब खुशियां मनाएं। जी जी, मैं वही जानना चाहता था, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि पर किस तरह से अलग से रंगारंग कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं? यहाँ पहले तो सुबह सुबह भोलेनाथ जी को क्या रुद्राभिषेक करवाया जाता है। सुबह सुबह रुद्राभिषेक करवाने के बाद फिर भोलेनाथ जी का श्रृंगार होता है। फिर ये डेली का कार्य है। 30 के 30 दिन भोलेनाथ जी को पहले रुद्राभिषेक करवाया जाता है, फिर उनका श्रृंगार होता है, फिर इसी तरह से सुबह की आरती रहती है। इसके आयोजक कौन रहते हैं? कोई संस्था है या व्यक्तिगत है या सभी मिलजुल कर करते हैं? इसके आयोजक जी पूरे कुरुक्षेत्र के जितने भी भोलेनाथ जी के भक्त हैं और जितने भी भोलेनाथ जी को चाहने वाली संस्थाएँ हैं, शिवरात्रि सेवा मंडल है, शिव शक्ति सेवा मंडल है, यहाँ सबसे बड़ी जो है ब्राह्मण तीर्थों द्वार है, अमरनाथ बाबा बर्फानी मंडल है, बर्फानी सेवा मंडल है, दुवंजन सेवा समिति है, ये सभी शिव शक्ति सेवा मंडल है। शिव शक्ति सेवा मंडल यहाँ पे हर रोज डेली का है, श्रावण मास में हर रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ। खूब सारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की उमड़ती है, खूब भीड़ उमड़ती है। पूरा कुरुक्षेत्र है कि यहाँ पे सुबह से लेकर जमावड़ा रहता ही है। भगवान भोलेनाथ जी को प्यार ही बहुत करते हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। एक और भक्तजन है, उनसे भी हम जानते हैं। प्रधान जी, जानना चाहेंगे कि जब यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है तो किस तरह से इनको संभाला जाता है या इनका देखभाल की जाती है, क्योंकि भक्ति भक्ति के लिए ही लोग यहाँ पर आते हैं, तो इतनी सारी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है? आज त्रयोदशी का अवसर है, सावन मास की त्रयोदशी है और ये प्राचीन मंदिर दुख भंजन मंदिर प्राचीन पांडवों के समय का ये मंदिर है। यहाँ भगवान कृष्ण ने भी आकर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पूजा की थी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर नियमित रूप से सभी भक्तजन आकर अपनी पूजा कर अपनी मनोकामना की जो चाहत है उनकी पूरी कर रहे हैं। वही मैं जानना चाहता था भगत जी, आप लोग यहाँ पर किस तरह से देखभाल करते हैं, किस तरह की ड्यूटियाँ आप लोगों की रहती हैं? भैया, ऐसा है कि इसमें भी जैसा कि अभी मनोज जी ने आपको बताया कि शिव शक्ति सेवा मंडल, शिवरात्रि मंडल और बहुत से जो मंडल हैं इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उनकी जो तत्पर्य उनको जो कार्यभार दिया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में एक यहाँ पर अभी भोले की बारात महाशिवरात्रि के अवसर पर भी निकाली जाती है, तो उनमें भी सभी वो जो सेवा मंडल हैं मिलकर ही अपने कार्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं और उन्हीं भक्तों की सहायता से इस कार्य को हम लोग बड़े अच्छे ढंग से चला रहे हैं। भक्ति से सराबर होकर ये कार्यक्रम किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग अपनी निश्चित सेवा से और मुक्त कंठ से प्रभु की सेवा में तत्पर हैं और जब तक उनका जीवन है वो तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। श्याम पराशर। एक और भक्त जी हैं हमारे, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। भक्त जी, जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, किस किस तरह के सेवा काम आप लोग यहाँ संस्था के जरिए कराते रहते हैं? हमारे यहाँ दुख भंजन मंदिर में हर सुबह 10 बजे और शाम को 7:30 बजे नित्य प्रति आरती होती है, जिसमें भगवान को भोलेनाथ जी को 56 भोग
लगाए जाते हैं और उनका हार श्रृंगार खूब अच्छी तरह से किया जाता है। बताया जाता है कि कल यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई सेवा कार्य भी किया जाना है। कल हमारे शिव शक्ति सेवा मंडल की तरफ से कोविशील्ड का सामाजिक कार्य कैंप लगाया जाएगा, जो कि सुबह 10 बजे यहाँ हमारे दुग्भंजन महादेव मंदिर के प्रांगण में सुबह 10 बजे किस तरह का वो कैंप होने वाला है, कितने लोग, किस तरह के लोग वहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं? जो आजकल महामारी कोविड अपना कोरोना महामारी चल रही है उसको उसके प्रति हमारी शिव शक्ति सेवा मंडल की तरफ से जिन लोगों को जो अपने कोविशील्ड और जो दूसरी को वैक्सीन है नहीं लगी है उनको लगाई जाएगी, दोनों वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाने वाले। और संडे को हमारे शिव शक्ति सेवा मंडल की तरफ से महाभंडारा भी आयोजित किया जाएगा। संडे को भंडारा भी होने वाला है, कितने लोगों की उम्मीद है यहाँ भंडारे में? कम से कम 3,000 और 5,000 के बीच में। हर साल ये कार्यक्रम हर साल कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत बधाई देंगे कि आप इतने बहुत ही नेक काम आप करते हैं और लगातार आप ये काम लगातार जारी रखें। जय भोलेनाथ जी की। तो देखा आपने कितना भव्य मंदिर है आपने देखा, और अभी यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे भी हम जानेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से पूजा पाठ। पंडित जी स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। धन्यवाद जी। पंडित जी जानना चाहेंगे किस तरह से पूजा पाठ यहाँ पर होती है, जाहिर तौर पर आपके द्वारा की जाती है, कि क्या क्या शेड्यूल रहता है और शिवरात्रि के दिन किस तरह की महापूजा की जाती है? ऐसा है, यहाँ पर जिस दिन से श्रावण मास प्रारंभ हुआ है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से ही यहाँ अभिषेक प्रारंभ हो जाता है, जो 4 से 6 चलता है। ब्राह्मण सभा के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं समय के अनुकूल वो 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में, और इसके बाद 10 से 12 और रात्रि में 9 से 11, ये 3 पहर में हमारे यहाँ पूजा प्रतिदिन चल रही है। और शिवरात्रि पर्व पर विशेष कर व्यवस्था की गई है, जो 4 पहर की पूजा की जाएगी, और बड़े दूर दराज से लोग आज श्रद्धा के साथ और बड़े स्नेह प्रेम के साथ पंचामृत बनाकर घर शिला रहे हैं। स्वामी मैं आपसे, पंडित जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या शिवरात्रि पर ही यहाँ पूजा होती है, जो सावन मास होता है सिर्फ उसी पर पूजा पाठ होती है, या अलग से भी आप जो नॉर्मल जो दिन है सामान्य जो दिन रहते हैं वहाँ भी पूजा आप करते हैं? हाँ, इस मंदिर का नाम भी श्री दुग्भंजन महादेव है, जथा नाम तथा गुण, जैसे उनका नाम है वैसे उनके गुण हैं, वो दुखों का हरण करते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों के दुखों का निवारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कंचन टीवी से बात करने के। धन्यवाद। तो देखा आपने, और अभी आप बने रहिएगा, जो यहाँ पर कीर्तन के लिए जो यहाँ कीर्तन के लिए जागरण के लिए जो टीम आई है, जो वहाँ पर सिंगर हैं, जो गायिका हैं, हम उनसे बात करने वाले हैं। आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, अभी अभी हम वहाँ आपको दिखाने वाले हैं। अर्जुन एंड पार्टी की यहाँ पर हमारे साथ गायिका है, उनसे बात करेंगे। आप मैडम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम रिम्पी राज। रिम्पी राज जी, आप यहाँ पर जागरण करने पहुँचे हैं, किस वक्त तक ये जागरण चलने वाला है? ये 11 बजे तक है। 11 बजे? हाँ जी। और कौन कौन सी भेंटें आप गाने वाले हैं, कौन कौन से भगवान को, देवी देवता की आप गाने वाले हैं? वैसे तो सभी देवी देवता को मनाते हैं, बाकी जैसा हुक्म होगा, जैसी डिमांड आती है वैसे ही आप करने वाले हैं। हाँ जी। जो पार्टी है आपकी अर्जुन एंड पार्टी, कहाँ से है ये? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र? हाँ जी। और आप इसमें लगातार जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं अम्बाला से हूँ, अम्बाला कैंट। और यहाँ पर आप कार्यक्रम में पहुँचे तो अक्सर कुरुक्षेत्र आना होता होगा, किस तरह से आप देखते हैं जब कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में आते हैं? हाँ जी, मैं अर्जुन एंड पार्टी के साथ परमानेंट तकरीबन आती हूँ, इन्हीं के साथ बहुत अच्छी। जब जब कार्यक्रम करने कुरुक्षेत्र आते कैसा लगता है हर बार? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ की संगत बहुत श्रद्धालु है, बहुत अच्छे हैं, सभी का साथ मिलता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के। थैंक यू। तो देखा आपने, यहाँ पर गायिका हैं जो लगी रहे हैं, भजन गाने वाले हैं वो, और पूरी टीम उनकी यहाँ पर है। अर्जुन एंड पार्टी लगातार यहाँ पर लगे हैं, आप आनंद ले सकते हैं, यहाँ पर बैठे आप आनंद ले सकते हैं, बहुत बहुत। तो देखा दर्शकों, आपने देखा कि कैसे दुग्भंजन मंदिर
क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित होता है। अगर आप इस साल का ये कार्यक्रम मिस कर गए हैं तो अगली बार महाशिवरात्रि आती है, सावन की शिवरात्रि आती है, तब आप यहाँ पर आइएगा और रंगारंग कार्यक्रम का आप भागीदार बनिए और पुण्य के भागी बनिएगा। और कंचन टीवी भी निवेदन करता है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों कंचन टीवी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कूपर भी है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट करके नीचे बताइएगा, जय भोले की लिखिएगा, जय माता दी लिखिएगा और बताइएगा हम कैसा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी अजमेर के साथ मैं इशपाल कंचन।